हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बाहर से शोर आ रहा होगा, काइंडली बेयर विद इट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे 2022 के जितने भी फेवरेट प्रोडक्ट्स रहे हैं, लाइक जिनसे मैं बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ, मैं उनके बिना रह नहीं पा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट हो चुके हैं मेकअप में। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ कहीं मैंशन कर दूँगी टेक्स्ट में। एंड अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है इस साल वो है ये लैक्मे, सॉरी मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। वैसे मेरा नंबर वन फेवरेट आज भी लैक्मे का ही है, वो विद SPF वाला येलो कलर का। बट उसमें क्योंकि शेड्स नहीं होते तो वो हर किसी के लिए इतना अच्छा नहीं हो सकता। बट ये कॉम्पैक्ट पाउडर, इसमें आपको काफ़ी वर्सेटाइल शेड रेंज मिल जाती है। सो ये कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड यू कैन सी, सो ये कुछ ऐसा दिखता है, मिरर मिल जाता है आपको, कॉम्पैक्ट पाउडर मिल जाता है और एक साथ में स्पॉन्ज। ओके, सो अभी मैं थोड़े दिन मेकअप वीडियो नहीं बनाने वाली बिकॉज मेरे हाथ की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है एंड पूरे छाले बढ़ चुके हैं। सो क्या हुआ है अगर आप जानना चाहें तो आप मेरा ब्लॉगिंग चैनल चेकआउट कर सकते हैं, आपको या तो कम्युनिटी में मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ओके, सो फर्स्ट है ये कॉम्पैक्ट पाउडर। नेक्स्ट जो अभी करेंटली रिसेंटली एक दो महीने से आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और वो है ये स्विस ब्यूटी की ब्राउ किट। इसका MRP जो है 299 रुपीज़ है, बट अगेन अमेजोन पर आपको हमेशा डिस्काउंट मिल जाता है। सामने मिल जाता है एक मिरर एंड मिरर के साथ ही आपको ये प्रोडक्ट आया कुछ ऐसा मिल जाता है जिसमें तीन जो है ब्राउ प्रोडक्ट पाउडर्स हैं और एक जो है वैक्स होती है जिससे आप अपनी ब्राउज को सेट कर सकते हैं। बहुत बहुत सही लगा, मतलब मुझे इसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी। अगर आप विंटर में मेकअप किट बनाने वाले हो या विंटर आ रहे हैं तो ये सारे मेकअप जो है विंटर में भी बहुत ज़्यादा यू नो बेस्ट हैं, सो यू कैन बाय दिस वन। नेक्स्ट है ये, तो मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया था, आई थिंक मार्च या अप्रैल में ले लिया था और ये मस्कारा मैंने पूरे साल यूज़ किया है और मेरे पास ना मतलब वर्ड्स नहीं है, इतना अफोर्डेबल और इतना सही मस्कारा है ना ये। मैंने अभी भी यही वेयर किया हुआ है। सो अगर आप देख रहे हैं ना कोई बजट में मस्कारा जो कि बॉम्ब हो, सो जस्ट बाय दिस वन। ये है मार्स का मस्कारा, मार्स का मस्कारा है, आपको मिल जाएगा पैकेजिंग से ही आप पहचान लोगे और ये आई थिंक 200 और 250 के अंदर मिल जाता है। सो बहुत ही सही मस्कारा है, अगर अफोर्डेबल में आप बात करो तो ये बेस्ट है एंड बहुत अच्छे से जो है आपकी लैशेस को थोड़ा सा वॉल्यूम भी प्रोवाइड करता है और बहुत ही अच्छे से एकदम फुलर वाला लुक देता है। सो नेक्स्ट इज दिस। ओके, इसके बाद है मेरा करंट ऑब्सेशन, ओ माय गॉड। मैंने ना इसके बारे में इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, लॉन्ग पे, हर जगह मतलब एकदम होता ना पूरी ऐसी क्रांति सी आ रखी थी और मुझे लगता था कि पेड प्रमोशन है या वो है ये है तो शायद इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, बट नो गाइज, दिस इज़ रियली गुड। लाइक ये है ममा अर्थ का ग्लो सिरम फाउंडेशन विटामिन सी एंड इसका MRP 599 रुपीज़ है, बट गाइज दिस इज़ लाइक बॉम्ब, लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छा है। मुझे स्टार्टिंग में था कि पता नहीं मैं इसे कितना यूज़ करूँगी, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ मैंने इसे बहुत यूज़ किया। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है, ये मीडियम टू लाइट कवरेज है और अगर आप डेली वेयर के लिए देख रहे हैं या यू नो मैं कई बार ना फेस्टिव में या आप कहीं जा रहे हो आपको चाहिए होता है कि थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा ग्लो हो या थोड़ा सा कवरेज हो, जो भी आपकी पिगमेंटेशन या फेशियल जो भी है आप थोड़ा यू नो चाहते हो। सो उस टाइम पे मैंने इसे बहुत यूज़ किया, मैंने इसको छठ पूजा में, दिवाली में, सारे जो भी फेस्टिव रहे हैं उसमें यही वाला फाउंडेशन वेयर किया है, जो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर आप मुझसे रेकमेंड मांगेंगे तो ये मेरा नंबर वन फाउंडेशन बन चुका है एंड आई जस्ट रियली रियली लव दिस प्रोडक्ट एंड यू कैन ऑल्सो बाय दिस। नेक्स्ट है ये, मैंने 2022 के स्टार्टिंग में ही ले लिया था, अर्थ रिदम के लिप एंड चिक टिंट। 5 ml की पैकेजिंग है, आपको अमेजोन पे आराम से 250-300 रुपये इसमें मिल जाएगा और आपको शायद दिखे कि मैंने इसे कितना यूज़ कर रखा है। यू कैन सी ये पूरा ऐसे खाली हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, बट मैं इसे इस साल पूरा ख़त्म कर ही दूंगी आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ में। और ये ना एक बहुत ही ऐसी ड्यूई सा ग्लोई टिंट है, लाइक अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है और प्रॉपर ऐसे मतलब क्या बोलूँ, पैची नहीं लगता, बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड होता है और बिल्कुल स्किन के साथ मर्ज हो जाता है। एक हल्का सा ग्लो ज़रूर आता है, ये ड्यूई है, प्रॉपर मैट तो नहीं है पर बहुत सही है, नेचुरल लगता है और बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप यू नो कोई टिंट बाय करने का सोच रहे हो एंड स्पेशली इन विंटर्स,
ये बेस्ट है, आप इसे एज अ यू नो लिप टिंट भी यूज़ कर सकते हो, चीक टिंट तो है ही है, तो ये दोनों ही केसेस में आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करता है, तो जस्ट बाय दिस वन, ये बहुत सही टिंट है. नेक्स्ट वन इज ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया था, आई थिंक ये लास्ट से भी लास्ट ईयर लिया था. ये है शुगर की कॉन्टोर दी फोर्स पैलेट, और मैंने इसे अपनी शादी के बाद काफ़ी यूज़ किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि इतना हैवी मेकअप कभी होता ही नहीं है, वीडियोज़ में ही होता है. तो इसमें ब्रॉन्जर, ब्लश, हाईलाइटर तीनों ही आपको मिल जाएगा, सामने मिरर मिल जाता है. 799 रुपीज़ MRP है, और ये बहुत ही सही प्रोडक्ट है. लाइक अगर आप कोई फेस पैलेट ढूंढ रहे हैं जो बजट में हो और बहुत सही काम करे, अच्छा काम करे, तो जस्ट बाय दिस वन. इससे ये मल्टीपर्पज़ है, आप इससे आई लुक भी डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, और फेस पैलेट का काम तो ये बहुत अच्छा करती है. तो मैंने इस साल इसे काफ़ी यूज़ किया और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आई है. नेक्स्ट है, ये तो पता नहीं मेरा कितने सालों से फेवरेट है, 2022 में भी फेवरेट ही रहा. ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, आई एम इन द शेड 02, और ये बहुत ही मतलब अफोर्डेबल, आई थिंक 200 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, ऑनलाइन, ऑफलाइन या स्विस ब्यूटी के स्टोर में, मॉल में, हर जगह मिल जाता है. तो ये बहुत ही हाई एंड जैसा वर्क करता है, एंड मुझे लगता है ना बहुत लाइक फुल कवरेज कंसीलर है, बहुत अच्छी कवरेज मिल जाती है आपको. मैंने अभी भी यही अप्लाई किया, हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया, मुझे हाई कवरेज नहीं चाहिए थी. बट अगर आप कोई यू नो अफोर्डेबल में अच्छी क्वालिटी का कंसीलर ढूंढ रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज़ द राइट थिंग फॉर यू. और मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, एंड अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन चाहेंगे तो डेफिनेटली ये वाला आप ले सकते हैं. अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप ले सकते हैं, ब्राइडल है, कुछ भी है. अगर आप यू नो बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो जस्ट बाय दिस वन, और ये बहुत सही कंसीलर है. इस साल मैंने जो है ब्लू हेवन के काफ़ी प्रोडक्ट ट्राई किए हैं, और उसमें से ये है एक ब्लू हेवन का ट्रू ब्लू इंटेंस काजल. तो ये ब्लू कलर का काजल है बेसिकली, और मैंने इस साल इसे काफ़ी यूज़ किया. पीछे एक शार्पनर भी मिल जाती है, मुझे पता ही नहीं था, मैंने बाद में देखा, यहाँ से आप शार्प कर सकते हो. एंड ऐसी रिट्रैक्टेबल व्हाटएवर बोलते हैं, आपको पैकेजिंग मिल जाती है, और मैंने काफ़ी यूज़ किया है इसे, पर इसकी क्वांटिटी अभी भी काफ़ी बची हुई है. सो ये ब्लू कलर का और प्रॉपर जैसे रॉयल ब्लू कलर, रॉयल ही बोलते हैं ना आई थिंक, हाँ रॉयल ब्लू कलर है ये, और बहुत सही लगता है आपकी आईज़ पे. इजीली 2-3 घंटे तो स्मज नहीं होता, उसके बाद स्मज हो जाता है. स्मज प्रूफ बिल्कुल, मतलब 100% स्मज प्रूफ नहीं है, बट हाँ काफ़ी टाइम तक यू नो स्मज नहीं होता. आप उसे अगर थोड़ा सा कंसीलर या पाउडर से सेट कर लोगे तो काफ़ी टाइम तक स्टे करता है. और कलर्ड काजल, अगर आप बिगिनर हो तो कलर्ड काजल के साथ तो आपको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, क्योंकि उससे आप बहुत सारे डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हो. एंड मुझे ये काजल काफ़ी अच्छा लगा, और मैं इसे दोबारा रीपर्चेज भी ज़रूर करूँगी. सो अगर आप देख रहे हैं कोई कलर्ड काजल, सो जस्ट बाय ब्लू हेवन का ये काजल. ओके, ये है नेक्स्ट, ये भी ब्लू हेवन का ही है, और ये मैंने अभी लिया था, आई थिंक 1 मंथ हुए होंगे. ये है ब्लू हेवन की पावर मैट लिपस्टिक. ये बहुत ज़्यादा आई थिंक सबके पास एक आधी तो है ही है, स्पेशली ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स के पास. सो आई एम इन द शेड 03 आई थिंक, रूबी ग्लो शेड है, और ये कुछ ऐसी आपको ब्लैक पैकेजिंग मिल जाती है, बुलेट पैकेजिंग. सामने ये ब्लैक और गोल्डन का वो है, और प्रोडक्ट जब आप यू नो वो करेंगे, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी वगैरह भी सही है, और मतलब ये जो है अब ये लिपस्टिक जो है ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है आई वुड से, और मैट फिनिश आती है, बट एक्चुअल में फील जो है आपके लिप्स पे थोड़ा मॉइस्चराइज फील होता है, लाइक ऐसे प्रॉपर ऐसे यू नो वैसी नहीं फील होती, अच्छी फीलिंग आती है इसको लगा के. काफ़ी कंफर्टेबल लिपस्टिक रहती है, और इजीली 3-4 आवर स्टे करती ही करती है. अगर आप ऑयली कुछ खाओगे तो डेफिनेटली यू नो सेंटर से वो ब्लीड हो जाएगी, पूरी निकलने लगती है, बट निकलने के बाद में एक टिंट रह जाता है इसका, यू नो अगर सपोज ये तो रेड कलर है तो रेड कलर का एक टिंट मेरे लिप्स पे रह जाता था. तो ये लिपस्टिक जो है मुझे काफ़ी सही लगी, और हो सकता है मैं और भी शेड इसमें ट्राई करूँ. सो या गाइस, दैट्स ऑल प्रोडक्ट्स जो इस 2022 में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए. और पीछे ना बाहर तृप्ति खिड़की से झांकी जा रही है और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, पर कोई बात नहीं, बच्चों का लगा रहता है. एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड गिव इट अ बिग 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 थम्स अप. सो अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल. Bye.